सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसके अलावा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कौन कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होते हैं, इन सभी के बारे में हम देखेंगे और अच्छे से इस टेंस को समझेंगे। पास्ट टेंस में ये लास्ट टेंस है, इसके बाद जो अगला वीडियो होगा वो फ्यूचर टेंस का होगा। तो यहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बहुत ही ध्यान से अच्छे से इसके सारे रूल्स को समझते हुए जाएंगे। दोस्तों, एग्जाम में मेनली जो वर्ब की कौन सी फॉर्म किस टेंस में यूज होती है इसको आप जरूर याद रखिएगा। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है इसमें आप देखिए वर्ब की एनजी फॉर्म का यूज किया गया है और हैड बीन के साथ। तो इन रूल्स को आपको याद रखना है, तभी आप अच्छे से अपना 100% दे पाएंगे एग्जाम में, अगर आपने सभी रूल्स को ध्यान से पढ़ा है। तो चलिए सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। इसमें दोस्तों जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, परफेक्ट का मतलब ही होता है कि काम परफेक्टली कंप्लीट हो चुका है, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि पास्ट में, पास्ट के टाइम में कोई भी काम कुछ समय तक जारी रहा था लेकिन अभी नहीं जारी है, जारी रहा था यानी कि पास्ट में 2 साल 3 साल तक वह काम हुआ या एक व्यक्ति 2 साल 3 साल तक किसी जगह पर रहा था। तो इस तरीके के सेंटेंसेस इसमें आते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। तो देखिए रूल क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसमें आप देखिए हैड बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर टाइम आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए पहला एग्जाम्पल है वे सुबह से खेल रहे थे, तो यहाँ पर हो जाएगा दे हैड बीन प्लेइंग सिंस द मॉर्निंग। दे यहाँ पर देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लेइंग, फिर यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट, तो सिंस द मॉर्निंग यानी कि वह कब से खेल रहे थे, सुबह से खेल रहे थे। फिर देखिए दूसरा है वह 2 घंटे से फिल्म देख रही थी, वह 2 घंटे से फिल्म देख रही थी, तो सी हैड बीन वॉचिंग द मूवी फॉर 2 आवर्स। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि सिंस किसके साथ प्रयोग होता है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, सिंस वहां प्रयोग होता है जहां पर एग्जैक्ट समय पता होता है हमें, जैसे अगर दिन पता है सोमवार मंगलवार तो वहां पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अगर हमें सन पता होता है 1980, 1990 या 2000, 2005, सन जहां क्लियर होता है वहां पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं। हमें डेट जहां पर पता होता है जैसे कि 9 मई 2020, तो इस तरीके से जहां पर हमें डेट भी पता होता है वहां पर भी सिंस का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा 5 बजे 6 बजे 7 बजे, इस तरीके से अगर टाइम एग्जैक्ट पता हो वहां पर भी सिंस का प्रयोग करते हैं। अब फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं, फॉर का प्रयोग 2 साल 3 साल, आधा घंटा, 1 घंटा 2 घंटा, इस तरीके से अगर चीजें पता होंगी तो वहां पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पर है वह 2 घंटे से फिल्म देख रही थी, तो 2 घंटे से देख रही थी, तो इसीलिए आप देखिए यहाँ पर फॉर 2 आवर्स लगा है। इसके अलावा सिंस में आप देखिए मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून अगर दिया होता है तो उसके साथ भी हम सिंस का ही प्रयोग करते हैं। तो आप देखोगे सिंस का प्रयोग ज्यादा हुआ रहता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला है, यहाँ पर देखिए तीसरा एग्जाम्पल है मैं 10 साल से पढ़ा रही थी, तो 10 साल यहाँ पर 1 साल 2 साल 3 साल या 1 दिन 2 दिन 3 दिन, इसके अलावा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, जब इस तरीके से समय आएगा तो वहां पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो आई हैड बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स यानी कि मैं 10 साल से पढ़ा रही थी, मीन्स पढ़ाने का जो काम है वो पास्ट में 10 साल तक चला लेकिन अभी चल रहा है या नहीं चल रहा है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, तो मैं 10 साल से पढ़ा रही थी यानी कि 10 साल तक वो काम कंटिन्यू चला था पास्ट में, तो इसीलिए यहाँ पर आप देखिए आई हैड बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स हो गया। अब इसके बाद देखिए अगला एग्जाम्पल है वे सुबह से खेल रहे थे, तो दे हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इसके साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे। फिर देखिए मेरी माँ 1 घंटे से खाना बना रही थी, तो माय मदर हैड बीन कुकिंग फूड फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए फॉर का प्रयोग। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला यहाँ पर है अगला एग्जाम्पल, बच्चे सोमवार से मिठाई की मांग कर रहे थे, सोमवार मंगलवार बुधवार जहां पर भी दिन की बात आएगी यानी कि जहां पर भी कोई दिन दिया होगा वहां पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो द चिल्ड्रन हैड बीन आस्किंग फॉर स्वीट सिंस मंडे। इसके बाद देखिए सातवां एग्जाम्पल है,
राम 2 दिनों से बुखार से पीड़ित था, तो राम हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 डेज। तो देखिए यहाँ पर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, इसके लिए हम फॉर का ही प्रयोग करेंगे। फिर है अगला एग्जाम्पल, मैं 2 बजे से इस काम को कर रहा था, तो आई हैड बीन डूइंग दिस वर्क सिंस 2 o'clock। अब इसके बाद यहाँ पर हम नेगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस में देखिए रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेड और हेड के तुरंत बाद नॉट और उसके बाद बीन, फिर वर्ब की एंटी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टाइम रेफरेंस सिंस फॉर। अब देखिए यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है, सीता 3 घंटे से अपनी गुड़ियों से नहीं खेल रही थी, तो सीता हैड नॉट बीन प्लेइंग विथ हर डॉल्स फॉर 3 आवर्स। 3 घंटे, 4 घंटे, कुछ भी होगा तो उसके साथ फॉर ही यूज होगा। तो देखिए सब्जेक्ट सीता, फिर उसके बाद हैड, फिर उसके बाद देखिए नॉट, फिर उसके बाद बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्ले का प्लेइंग, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट विथ हर डॉल्स, और फिर टाइम रिफरेंस यानी कि टाइम फॉर 3 आवर्स। तो इस तरीके से यहाँ पर जो निगेटिव सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल है, वह 3 साल से सब्जियां नहीं खा रहा था, ही हैड नॉट बीन ईटिंग वेजिटेबल्स फॉर 3 ईयर्स, यानी कि वह 3 साल से सब्जियां नहीं खा रहा था। इसके बाद तीसरा, यहाँ पर आप देखिए तीसरा एग्जाम्पल है, हम लोग 1 सप्ताह से आपका इंतजार नहीं कर रहे थे, वी हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर ए वीक। इसके बाद है अगला एग्जाम्पल, विराट आधे घंटे से बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे, तो विराट हैड नॉट बीन बैटिंग फॉर हाफ एन आवर। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है, रोहित 1 घंटे से आराम नहीं कर रहा था, रोहित हैड नॉट बीन टेकिंग रेस्ट फॉर एन आवर, रोहित हैड नॉट बीन टेकिंग रेस्ट फॉर एन आवर। इसके बाद है छठवां एग्जाम्पल, बच्चा 4 बजे से नहीं रो रहा था, द चाइल्ड हैड नॉट बीन वीपिंग सिंस 4 o'clock। अब दोस्तों इसके बाद हमने नेगेटिव सेंटेंसेस को देखने के बाद अब यहाँ पर हम पॉजिटिव सेंटेंसेस को भी हम देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को भी हम देख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले रूल हम देखेंगे, तो सब्जेक्ट से पहले हेड आएगा और सब्जेक्ट के तुरंत बाद बीन आएगा, फिर वर्ब की एनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर टाइम रेफरेंस यानी कि सिंस फॉर। अब देखिए यहाँ पर पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे, क्या वे लोग 1 घंटे से खेल रहे थे, तो हैड दे बीन प्लेइंग फॉर एन आवर। बस कुछ नहीं हुआ हैड, फिर उसके बाद वे लोग यानी कि वे मतलब दे, फिर देखिए बीन का प्रयोग करना है जब सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद बीन का प्रयोग, फिर वर्ब की एनजी फॉर्म यानी कि प्ले का प्लेइंग, फिर ऑब्जेक्ट फॉर एन आवर, और यहाँ पर टाइम, टाइम कितना है एन आवर यानी कि 1 घंटा। अब देखिए इसके बाद दूसरा नंबर यहाँ पर एग्जाम्पल है, क्या मोहन 15 सितंबर से व्यस्त था, हैड मोहन बीन बिजी सिंस 15 सितंबर। अब इसके बाद देखिए अगला है तीसरा एग्जाम्पल, क्या वह 8 बजे से खा रहा था, हैड ही बीन ईटिंग सिंस 8 o'clock। फिर उसके बाद अगला है, क्या वह अपने पति का 1 साल से इंतजार कर रही थी, हैड सी बीन वेटिंग फॉर हर हस्बैंड फॉर एन ईयर। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, अब इनको हम देख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको पता है सब्जेक्ट के आगे हैड आएगा, फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आएगा, फिर उसके बाद बीन, फिर वर्ब की एनजी फॉर्म, फिर सिंस फॉर। तो क्या वह 2 दिनों से नहीं आ रही थी, तो हैड सी नॉट बीन कमिंग फॉर 2 डेज। फिर है, क्या वे लोग 2 साल से वहां नहीं रह रहे थे, हैड दे नॉट बीन लिविंग देयर सिंस 2 ईयर्स। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर उसके बाद बीन, फिर वर्ब की एनजी फॉर्म, फिर उसके बाद सिंस फॉर के साथ यहाँ पर समय यहाँ पर बताना है। अब देखिए इसके बाद तीसरा नंबर एग्जाम्पल है, क्या रोहन इस मकान में सन 1980 से नहीं रह रहा था, हैड रोहन नॉट लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1980। तो यहाँ पर आप इन दिस हाउस जोड़ लीजिएगा, हैड रोहन नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1980, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा। अब इसके बाद अगला देखेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो देखिए पहला है, वे सुबह से कहाँ खेल रहे थे, वेयर हैड दे बीन प्लेइंग सिंस द मॉर्निंग। तो वेयर यानी कि जो हैड है उससे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आ जाएगा और कोई भी डिफरेंस नहीं है।
फिर देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, वह कब से इंतजार कर रहा था, हाउ लॉन्ग हैड ही बीन वेटिंग। फिर है तीसरा एग्जाम्पल, तुम घंटों से क्यों इस नंबर को ट्राई कर रहे हो, वाई हैड यू बीन ट्राइंग दिस नंबर फॉर आवर्स। तो इस तरीके से आपका ये जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये पूरा कंप्लीट होता है। पास्ट टेंस आपका पूरा खत्म हो गया, प्रेजेंट पास्ट कंप्लीट हो गया। अब अगली वीडियो में हम फ्यूचर टेंस को पढ़ेंगे और इस तरीके से आपके सारे टेंस कंप्लीट हो जा रहे हैं। दोस्तों एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को कि आपके सारे विषयों की लगभग लगभग क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आपको पता है कि आपके 8 में से 6 सब्जेक्ट पूरे कंप्लीट हो गए हैं। आपकी इंग्लिश की क्लास और मैथ की क्लास ये रेगुलर आपको मिल रही है इन्हीं दोनों सब्जेक्ट की, बाकी के बाकी सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। और 8 के 8ों विषयों की पीडीएफ आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप में मिलेंगी। और सारे वीडियोस अगर आपको चाहिए यूट्यूब पर तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स मिल जाएगी। पीडीएफ चाहिए आपको 8 विषयों की, इसके अलावा पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ, राजन सीरीज की पूरी पीडीएफ, तो उसके लिए ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों ऐप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और सारे विषयों की वहां पर आपको वीडियोज भी मिलेंगी, चैप्टर वाइज आपको हर विषय का टेस्ट भी मिलेगा, ताकि आप अपनी जानकारी कितनी आप प्राप्त कर रहे हो यानी कि कितनी तैयारी आपकी हो रही है ये भी आप जान सकते हैं। तो इस तरीके से हमने पूरी कोशिश की है कि आपकी तैयारी को बेहतर बना पाए और लगातार हम वीडियोज लेकर के आ रहे हैं आपके लिए। तो इन वीडियोज को अपने कॉलेज फ्रेंड्स को आप शेयर करना मत भूला करें। जितना आप शेयर करोगे उतना अधिक से अधिक प्रशिक्षु हमसे जुड़ेंगे और इन सभी वीडियोस का लाभ ले पाएंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का निशान बगल में होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि समय से हम सारी वीडियो हमारी वीडियोज की लिंक समय से हमारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप लोग के मोबाइल पर जाए, आप लोग के लैपटॉप पर जाए, ताकि आप सारे वीडियोज को देख पाए और तैयारी को बेहतर बना पाए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा और अपने अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट्स भी जरूर छोड़ दिए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिएगा। यहाँ ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आपको 8 के 8ों विषयों की लिंक मिल जाएगी, ऐप की भी लिंक मिल जाएगी। दोस्तों ऐसे चैनल से बने रहिएगा।